हिंदुस्तान के एक सूबे महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा क्रशिंग यूनिट्स हैं, छोटे और बड़े क्रशिंग यूनिट्स हैं। बहुत ज्यादा गुड़ बनाया जाता है, बड़े ऑटोमेटेड तरीके से गुड़ बनाया जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास गुड़ नहीं बनता, आज भी गुड़ 150 रुपए में? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INN न्यूज के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर में पाकिस्तानी मीडिया भारत की जमकर तारीफ करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत का सिर्फ एक राज्य पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। दोस्तों उनका कहना है कि केवल महाराष्ट्र से जितना चीनी उगाई जाती है भारत के अंदर में, उतना पूरे पाकिस्तान को भी मिलके चीनी नहीं हो पाता है। और पाकिस्तान में जिस तरह से चीनी का रेट बढ़ा है, पाकिस्तान में हर एक चीज़ का रेट 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में इस समय चीनी का रेट की बात की जाए तो 150 से 200 रुपया पर केजी चीनी है, और यहीं भारत में की जाए बात तो भारत में 30 से 40 रुपये किलो है। इसी से पाकिस्तानी मीडिया अंदाज़ा लगा ले रही है कि भारत का सिर्फ एक राज्य इतना चीनी उत्पादन करता है और हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में मिलके भी इतना नहीं हो पाता है, तो पूरे भारत में कितना होता होगा। और दोस्तों पाकिस्तान में जिस तरह की समय महंगाइयाँ हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से आटा चीनी दाल हर एक चीज़ का महंगाई है, वहाँ के लोग अब भूखे सो रहे हैं, कितने लोग तो भूखे मर रहे हैं, और वहाँ पे पेट्रोल की कीमत तो आसमानों को छू रही है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। मसला क्या है, बादगार भी परेशान है, जो चीनी खरीदने वाला यूजर है यानी कि जो एक आम आदमी है वो भी परेशान है। आखिर मामला है कहाँ, कहाँ पर खराबी ऐसी आती है कि जिसकी वजह से चीनी लोगों की पहुँच से दूर होती है, न सिर्फ दूर होती है बल्कि महंगे दामों खरीदने भी पड़ती है। काश्तकार भी खुश रहे, मिल ओनर को भी फायदा हो, जाहिर है उसने मिल पैसे कमाने के लिए लगाई है, और एक आम आदमी को जो चीनी की कीमत है वो उतनी मिल सके कि जो उसकी रैशनल कीमत बनती है मार्केट के हिसाब से। इस सारे मैकेनिज्म को ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है इसका? जी सबसे पहले जिसको वो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप डीरेगुलेट कर दें, लेकिन डीरेगुलेशन की वो ये बात करते हैं कि आप खुला छोड़ दें कि जितने में हम चाहें गन्ना खरीदें, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म निकाल दें, तो फिर क्या होगा, कार्टलाइजेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो फिर गन्ने वालों की सुनेगा कौन अगर डीरेगुलेशन। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में है, थाईलैंड में है, हिंदुस्तान के एक सूबे महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा क्रशिंग यूनिट्स हैं, छोटे और बड़े क्रशिंग यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा गुड़ बनाया जाता है, बड़े ऑटोमेटेड तरीके से गुड़ बनाया जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास अलावा केपी के हमारे पास गुड़ नहीं बनता, आज भी गुड़ 150 रुपए में? कोई 2 साल पहले के मुझे फिगर्स याद हैं, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर था गुड़ का, क्यों नहीं हम यहाँ पे गुड़ बना रहे जो कि सेहत के लिए भी बेहतर है? क्यों हमारे पास छोटी और मुतवस्सित तबके की शुगर मिले नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो सिस्टम बनाया गया है, एक तो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट में कुछ चीज़ें, और फिर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल्स रखे गए हैं जिसकी वजह से छोटी शुगर मिल्स और छोटे गुड़ के कारखानों को लाने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप तो कहते हैं कार्टल बन जाता है, एक माफिया बन जाता है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया, उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आप काश्तकार को कहेंगे ना, तो काश्तकार है भाई मेरे 500 में ले लो, वो करेगा क्या? वो तो 3-4 साल जब शाह साहब, जब हुकूमतें जो है वो शुगर मिलों के जरिए बनती हूँ, शुगर इंडस्ट्री की वजह से हुकूमतें बनती हों, उनके पैसे की वजह से हुकूमतें बनती हों, तो आपको लगता है कि ये कार्टल टूटेगा कभी? कभी जो है वो इस तरफ हम जाएंगे कि कोई चीज़ जो है वो मेरिट के ऊपर होगी? देखिए आज भी जो इश्तिहार आ रहे हैं, जो खत लिखा गया है पासवा की तरफ से, मैं उसमें से एज ए लेमैन सवाल पूछता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई केन कमीशन ऑफ पंजाब ने हमारे ऊपर जुल्म करके 3 लाख टन चीनी कम पैदा करवाई, फिर वो ये भी कह रहे हैं, साथों साथ कह रहे हैं उसी खत में कह रहे हैं कि हमारी सक्रोज रिकवरी इस साल आ ही कम रही है पिछले साल से। तो भाई आप ये बताएं कि ये केन कमिश्नर को आप कॉर्नर करने के लिए कर रहे हैं, या आप ये वैसे ही आपके पास सक्रोज रिकवरी कम आ रही है? फिर देखिए सिंध में तो लॉ तब्दील नहीं हुआ ना, शुगर मिले तो सिंध में 26-27 अक्टूबर को चल गई, नोटिफिकेशन सरकार का तो 20 नवंबर के भी बाद आया है। किसने कहा शुगर मिलों को कोई चलाएं? अगर पंजाब की शुगर मिलें नहीं चलती, आज भी पंजाब की शुगर मिलें चलने के बाद भी गन्ना पंजाब से सिंध आ रहा है, अगर वो पंजाब वाले नहीं चलाते तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गन्ना आता। ये बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, कौन कहाँ पर इसको ठीक करेगा? देखिए इसमें कुछ मामला सूबाई सरकार के भी हैं, कुछ मामला वफाकी सरकार के भी हैं। ज़रात 100% इस वक्त 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास है, जो कॉमर्स और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस वक्त वफाक के पास है, काफ़ी पॉलिसियाँ उनके पास हैं, काफ़ी इनके पास, आपको बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आएगा। प्रोविंसेस एक दूसरे को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे, वो तैयार हैं कि भले कंज्यूमर आ जाए, भले बाहर आके वो महंगी चीज़ें खरीदें, उनको कोई कोई पूछने वाला ना हो। शाह साहब काश्तकार अपनी जगह रोता हुआ नज़र आता है,
जो मिल ओनर है उससे पूछें तो वो कहता है बचत नहीं है, अब इस कारोबार को छोड़ देना चाहिए। जब आप एक आम आदमी से पूछें तो वो कहता है कि चीनी के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे आंख खोले तो कुछ और रेट होता है। ये सारे के सारे लोग ही अगर ना खुश हैं तो इस ट्रेड में प्रॉब्लम किधर है? सबसे पहली बात कि मेरे ख्याल में कि ये कंज्यूमर का हक है कहना कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो ये बात अपनी जगह पे एक तफ्तीश की है। अब आजकल जो ये कहा जा रहा है 100% बात ये कही जा रही है कि गन्ने की कीमत की वजह से ये हुआ है, तो आपके नाज़रीन के लिए एक मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं। 2 साल पहले गन्ने की कीमत थी 182 रुपये, जो बड़ी खुशी से उन्होंने दी, हमें नाकाबिल कबूल थी लेकिन वो उन्होंने दी, और चीनी की कीमत थी 55-60 रुपये। ठीक है, तो एक मन गन्ना जब आप क्रश करते हैं उसमें 4 किलो चीनी निकलती है, ये इनका मौकफ है। हम कहते हैं ज्यादा निकलती है, वो कहते हैं 4 किलो चीनी निकलती है, 10% रिकवरी। काफी शुगर मिले जिनकी 11.5 भी है, लेकिन हम कह रहे हैं 10%, इसका मतलब 4 किलो चीनी बनती है। अगर 50 रुपए मन गन्ना बढ़े तो उसका जाके इम्पैक्ट पड़ता है 11 से 12 रुपए पर किलो की चीनी के ऊपर। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 182 में 55 रुपए की चीनी बिक रही थी तो आज आप उसमें हिसाब कर लें तो कितने पैसे बढ़ाएंगे? 24 रुपए। अगर आप ये कहें कि 100 रुपया गन्ना बढ़ाए, अगर 100 रुपया गन्ना बढ़े, 182 का नहीं 282 का आप लगा लें, तो भी चीनी की कीमत तो बढ़नी चाहिए 22-23 रुपए। बाकी चीजें हम नहीं करते हैं, ये मैं इनका जो मौकफ है उनके हिसाब से कह रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा चीनी के अलावा उसमें से मोलासेस निकलता है जिसको शीरा कहते हैं, बिल्कुल ठीक, जिसमें से एथेनॉल बनती है, फिर बगास होता है जिससे बिजली बनती है, जो कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनती है और वो नेशनल ग्रिड को दे भी रहे हैं जिसके लिए टैरिफ भी मिलता है, ये कार्डबोर्ड और चिपबोर्ड की वो चीजें और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उनको भी हटा दें। अगर ये कहें कि 100% कॉस्ट है तो भी ये थोड़ी बात समझ से बाहर है कि जब आप कोरिलेट करते हैं चीनी और उसको गन्ने को। अगर आप, क्योंकि वक्त नहीं है वरना मैं पिछले सालों के आपको मिसाल दे दूं, अब जो पुरानी नहीं 18-19 से लेके अगर आप कैरी ऑन करेंगे तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, 2 और 2 4 बनेंगे नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो के अंदर में कितना ज़्यादा भारत की तारीफ कर रही है और वो कह रही है कि महाराष्ट्र से जितना चीनी निकलता है उतना तो हम पूरा पाकिस्तान मिला के भी उतना नहीं कर सकते हैं, और भारत जिस तरह से खेती में भी इतना आगे निकल गया है और अनाज उत्पादन में इतना आगे निकल गया है कि वो दूसरे देशों को अब अनाज एक्सपोर्ट करता है। वहाँ पर बात की जाए तो अब अफगानिस्तान के अंदर में भी जो भारत है वो अपना गंदुम यानी कि गेहूँ को भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों की जो चोर की आदत है वो उसको चुरा ले रहे हैं, ऐसे पूरी दुनिया रिपोर्ट करती है। और इस पे तालिबान, अफगान तालिबान ने भी ये रिपोर्ट किया है कि आप जो भेजते हैं उसको पाकिस्तान वहाँ से निकाल लेता है, क्योंकि तो पाकिस्तान में जिस तरह से इस समय महंगाइयाँ बढ़ी हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से इस समय अनाज का अकाल पड़ा है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और जिसके पास पैसे हैं वो भी पैसे देने के बाद भी भरपूर पेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पर चीनी की रेट की बात की जाए तो वहाँ पर जो चीनी की रेट है वहाँ पर कम से कम 150 से 200 रुपया पर केजी है, और भारत में चीनी की रेट की बात की जाए तो यहाँ पर केवल 30 से 40 रुपये के अंदर में आपको चीनी मिल जाएगा। और पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो कम से कम 200 से 250 रुपए तक हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान की जो एंकर थे, न्यूज़ रिपोर्टर, वो कह रहे थे कि भारत में जो पेट्रोल की कीमत है वो 250 रुपये के ज़्यादा है। इस पे पाकिस्तान के ही रिपोर्टर ने पाकिस्तान के रिपोर्टर को इतना ज़्यादा रोष किया कि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।